नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट क्लास के अंतर्गत। हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के ये पेपर फर्स्ट के अंतर्गत है, ठीक है ना। और राजनीतिक जो विकास है ये चैप्टर है, तो ये इसका दूसरा पार्ट है। आज हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विकास की विशेषता, और इसके बाद इसके राजनीतिक विकास के चरण, राजनीतिक विकास के चरण, और लास्ट में पढ़ेंगे राजनीतिक विकास के साधन कौन कौन से हैं। यानी तीन इम्पोर्टेंट यहाँ पे बड़े बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यानी तीन बड़े पॉइंट हैं, मान लीजिए इसमें से एक आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले राजनीतिक विकास की विशेषता किसके अनुसार, आमंड के अनुसार। आमंड ने राजनीतिक विकास की तीन विशेषताओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको वापस समझना है, क्योंकि आपको समझना जब से ज़रूरी है। तो पहला है राजनीतिक विकास का विशेषता के अंदर पॉइंट, भूमिका विभिन्नीकरण। भूमिका विभिन्नीकरण यानी राजनीतिक विकास की विशेषता कैसी होती है, तो ये भूमिका विभिन्नीकरण होता है। यानी मान लीजिए अगर किसी देश के अंतर्गत हम देखें, तो उस देश की राजनीतिक संरचनात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका क्या भूमिका निभाती है, व्यवस्थापिका क्या भूमिका निभाती है, या फिर न्यायपालिका उस देश की राजनीति में क्या रोल प्ले कर रही है, तो इसी आधार पर किसी देश की संरचना के अंतर्गत वहाँ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की जो भूमिका है, वह यहाँ पर भूमिका विभिन्नीकरण के अंतर्गत पॉइंट आ जाता है। समझ में आ गया होगा ना, भूमिका विभिन्नीकरण का मतलब है किसी देश की शासन व्यवस्था में वहाँ पर विभिन्न संरचनात्मक जो तत्व होते हैं, या संरचनात्मक भूमिका निभाने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, उनका वो देश की राजनीति में क्या भूमिका है, तो वो देखी जाती है राजनीतिक विकास के अंतर्गत। तो पहली विशेषता हो गई कि किसी भी देश की राजनीति में भूमिका विभिन्नीकरण देखी जाती है। हर देश की राजनीति में ये भी होता है। तो पहली विशेषता हो गई कि राजनीतिक विकास में भूमिका विभिन्नीकरण होता है, अलग अलग रोल प्ले करते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के द्वारा, तो ये भूमिका विभिन्नीकरण कहलाएगा। बात करते हैं आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता उपव्यवस्था स्वायत्तता। देखिए स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, स्वायत्तता का मतलब होता है सूट, आज़ादी, ज़्यादा फ्रीडम, ये होता है स्वायत्तता, ठीक है ना। तो अब स्वायत्तता को यहाँ पर कैसे रखा गया है, तो ध्यान रखिए राजनीतिक विकास की यह विशेषता रहती है कि वह जहाँ पर जिस भी प्रकृति में होती है उसमें स्वायत्तता ज़्यादा होती है, लोगों में स्वायत्तता होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। अगर एक देश है, एक देश के अंदर केंद्र सरकार शक्तिशाली है और राज्य सरकार को बिल्कुल भी पावर नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर लोगों में राजनीतिक विकास होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सत्ता का एकीकरण ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, यह विकेंद्रीकरण का मतलब जैसे अपने यहाँ पर भारतीय शासन व्यवस्थाओं में देखें, तो राजनीतिक विकास क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि शक्ति का विभाजन है और केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उपव्यवस्था में अगर उनको स्वायत्तता दी जाती है, तो राजनीतिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच जाता है। तो राजनीतिक विकास की दूसरी विशेषता होगी उनकी स्वायत्तता। बात करते हैं तीसरी विशेषता, लौकिकीकरण। लौकिकीकरण का मतलब होता है एक व्यवस्था जिसमें लोगों को उसके अकॉर्डिंग पूरा महत्व दिया जाता है, उनको उनके हक के अधिकार, साधन, स्वतंत्रताएं पूरी दी जाती है, तो लोग उस व्यवस्था को अपनाते हैं, तो ये लौकिकीकरण हो गया। जैसे समाज में लोगों की अभिवृत्तियाँ, अब एक समाज है वो राजनीति से क्या चाहता है, कि राजनीति से सरकार उसके काम करे, राजनीति के अंतर्गत सरकार से जुड़े जो भी मतलब होते हैं जब वो लोगों के पूरे होते हैं, तो लोग उस राजनीति से ट्रस्ट करते हैं, राजनीति में अपना सहयोग देते हैं, राजनीति में विकास करते हैं। तो लोगों की जो ये अभिवृत्तियाँ हैं, कुछ इच्छाएं हैं या मनोइच्छा हैं, वह जब राजनीति से जुड़ती हैं, तभी लोग उस राजनीति से रूबरू होते हैं और इस व्यवस्था का लोकीकरण होता है। लोकीकरण यानी किसी भी व्यवस्था में लोगों को ज़्यादा छूट, स्वायत्ता, उसको उनकी अभिवृत्तियों को करने की आज़ादी देना लौकिकीकरण कहलाता है। तो लोगों को जब उनके हक, अधिकार और राजनीति में व्यवस्थाएं दी जाएगी, तभी क्या होगा, लौकिकीकरण होगा। तो राजनीतिक विकास क्या है, लौकिकीकरण होता है, कि इसमें लोगों को मतलब कहते हैं ना कि लोग पूरी तरह पर रम जाते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में लौकिकीकरण व्यवस्था इसकी एक तीसरी इंपॉर्टेंट व्यवस्था होती है, कि लोगों के अकॉर्डिंग ही ये चलती है, जैसे लोग होंगे वैसा ही राजनीतिक विकास का क्षेत्र भी देखा जाता है।
तो ये वाला क्लियर हो गया होगा। राजनीतिक विकास की तीन विशेषताएं जो ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। अब बात करते हैं राजनीतिक विकास के सरण। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बताया कि राजनीतिक विकास भिन्न भिन्न सरणों के जरिए विकसित होती है। राजनीतिक विकास की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सरण बताए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अगर बात करें कि तीन चार जनों की बारी आनी है और उसमें से कहा जाएगा कौन पहले आएगा, तो जो जीत करेगा उसको नंबर पहले दिया जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हटी गठन की बात पहले करते हैं, क्योंकि हट कर ली इसने राजनीति विकास की चरण को समझाने की। तो ये आपको ध्यान रखना, हटिंग गठन। तो हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास की शरण देखने वाले हैं और ध्यान रखिएगा इसके अकॉर्डिंग हो सकता है या तो इसके अकॉर्डिंग आए या आमंड के अकॉर्डिंग आए। तो तीन चार विद्वानों के राजनीतिक विकास के संबंध में जो शरण है वो समझेंगे। पहला हंटिंगटन के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास के शरण, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसने कितने शरण बताए हैं, तो वह सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं, तो इसलिए आपको संख्या को पता रखना है। तो इसने राजनीतिक विकास के तीन शरण बताए, तीन शरण कहिए या अवस्था, कि राजनीतिक विकास की तीन अवस्थाएं हैं जिसके दरमियान राजनीति का विकास होता है, राजनीति का विकास होता है उससे जुड़े विचारों का। तो पहली है सत्ता की बुद्धिमत्ता। हटिंगटन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं सत्ता की बुद्धिमत्ता या बुद्धिसंगता। देखिए पहला शरण सत्ता की बुद्धि संगता, इसका मतलब है कि अगर एक देश में लोगों के मध्य एक केंद्रीय सरकार होगी तो लोगों में बुद्धि की संगता होगी, यानी सभी लोगों में ये कॉमन चीज़ देखी जाएगी कि केंद्रीय सरकार है तो उस सरकार से हमें जुड़े रहना है। और इस तरह से जब सरकार और लोगों के मध्य जब केंद्रीय तत्व पाया जाएगा यानी बुद्धि की संगता होगी तो राजनीतिक विकास होगा। ये पहला स्टेज हो गया यानी पहला शरण हो गया हटिंगटन के अनुसार। इसी तरह बात करते हैं दूसरा स्टेज है नए राज्यों या नए राजनीतिक का स्तर, नए राजनीति का स्तर। नए राजनीतिक स्तर का मतलब होता है कि केंद्रीय सरकार है, फिर वो राज्य सरकार के अंदर हो गई, राज्य सरकार के बाद स्थानीय सरकार हो गई। तो इस तरह से नए राजनीतिक स्तर होंगे तब राजनीति का भी विकास होगा। यानी अगर किसी देश में सिर्फ केंद्र सरकार ही पाई जाती है तो वहाँ पर राजनीतिक विकास नहीं होगा। राजनीतिक विकास का मतलब होता है कि उस देश में वह अंतिम व्यक्ति जो उस देश का नागरिक है उसे भी राजनीति के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, तो वो राजनीतिक विकास कहलाता है। तो वो कब होगा, जब राजनीति का क्षेत्र व्यापक होगा। तो राजनीति का क्षेत्र व्यापक कब होता है, जब राजनीति का विकेंद्रीकरण देखा जाता है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इस तरह से नए राजनीतिक स्तर के द्वारा राजनीति का ये विकास होगा। दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा स्टेज जो बताएं उसको समझे और नोट करें। तीसरे स्टेज में कहा है कि अभिवृद्ध सहभागिता, राजनीति का विकास तो तभी होता है ना जब सबका साथ होता है। जैसे कहते अब मोदी जी भी काफ़ी बार कहा करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। तो इसका सिंपल थिंग्स है कि अगर राजनीति को डेवलपमेंट मोड में लेके आना है तो उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्टर हैं उनको भी साथ में लाया जाए, यानी सहभागिता। जैसे मान लीजिए अगर मुझे पॉलिटिकल का मेरी क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा बनाना है तो वो कब बनेगा, जब मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा और आपके द्वारा उसको सीखा जाएगा। यानी दोनों ओर से जब प्रयास होंगे, एक सहभागिता होगी, एक पार्टिसिपेट होगा, तभी राजनीतिक सहभागिता होगी। यानी कहते हैं ना कि अगर ताली का साउंड करना है तो ज़्यादातर ये कहा जाता है कि दोनों हाथ से ताली बजती है तभी एक रियली साउंड सुनाई देता है। तो वैसे ही राजनीति विकास तभी होगा जब राजनीति के अंदर भाग लेने वाले जो लोग हैं वह राजनीति से जुड़ेंगे, सहभागी होंगे। जैसे
सरकार का चुनाव होना है तो चुनाव में कौन वोट देते हैं? लोग वोट देते हैं। तो लोग वोट देते इसका मतलब ये उस राजनीति से, उस देश की व्यवस्थाओं से सहभागी हो रहे हैं। इलेक्शन करना हो, इलेक्शन लड़ना हो, या फिर सरकार जो काम करे उसकी कमियां करना हो, आलोचना निकालना हो सरकार के लिए, समय समय पर उसको कार्य करवाने के लिए नए नए व्यवस्था या नई नई मांगे करना, तो इस तरह से लोग जब राजनीति से कॉन्टैक्ट में होंगे, पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, तभी राजनीति डेवलपमेंट बोर्ड में आ जाती। तो ये तीसरा स्टेज है, जब लोग पूरी तरह से राजनीति से जुड़ जाते हैं तो राजनीति का विकास हो जाता है। तो ये बात है हटिंगटन ने कही है, राजनीतिक विकास के चरण। अब बात करते हैं इसी तरह से आमन ने राजनीतिक विकास के जो स्टेप बताए वो समझ लेते हैं। आमंड विकास के चरण या अवस्थाएं। तो अब यहाँ पे दो तीन विद्वानों के लिखवाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा आ जाए, हटिंगटन का आ जाए, आमंड का आ जाए, या कोई और विद्वान के राजनीतिक विकास के चरण आ जाए, तो शॉर्ट में लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए सभी समझना जरूरी है। तो आमंड ने राजनीतिक विकास के कितने स्टेप बताए, कितने चरण बताए हैं? चार चरण बताए। कितने चरण बताए? चार। तो हम चारों को बारी बारी से समझने वाले हैं कि राजनीतिक विकास का पहला चरण क्या बताया है आमंड के अकॉर्डिंग। तो आमंड ने पहला बताया कि राज्य निर्माण का स्तर, देखो पहले थिंग से कि जैसे एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति फिर जो परिवार होता है, वह परिवार फिर समाज से जुड़ता है, तो समाज का डेवलपमेंट होता है, समाज फिर बहुत सारे होते हैं, तो फिर वो राज्य बनता है और बहुत सारे राज्यों से एक देश का निर्माण होता है। तो इसी तरह धीरे धीरे उस व्यक्ति का उस देश से संबंधित काफ़ी ताल्लुक होता है और वो राजनीतिक एक विकास में भाग लेता है। यानी एक व्यक्ति के होने से विकास नहीं होता, सबके होने से विकास होता है। तो सबसे पहले राजनीतिक विकास कब होगा? जब एक राज्य बनेगा। जब एक राज्य बनेगा तो राज्य के अंदर लोग संपर्क में आएंगे और इस तरह से वह राज्य की गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो राजनीतिक विकास का पहला चरण होता है एक राज्य का बनना, एक राज्य का बनना। इसके अंतर्गत यह भी हम कह सकते हैं कि राज्य कैसे बनता है, जहां पे सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सत्ता का केंद्रीकरण। ठीक है, जैसे एक जंगल राज होता है, जंगल राज में कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन जंगल राज में एक शेर है, अगर वो सबको कंट्रोल में लेकर शासन करता है तो शेर की हुकूमत क्या कहलाएगी? सत्ता का केंद्रीकरण। तो इस तरह से पहले तो केंद्रीकरण व्यवस्था होनी चाहिए, केंद्रीकरण व्यवस्था होगी तभी राजनीति का जो ज्योत है वो जलने की शुरुआत होगी। तो पहले राज्य का निर्माण यानी सत्ता का केंद्रीकरण करना जरूरी है, तो राजनीति का पहला स्टेज आएगा। फिर दूसरे स्टेज में बात करें तो दूसरे स्टेज में राष्ट्र निर्माण का स्तर, राष्ट्र निर्माण का स्तर। राष्ट्र निर्माण कैसे? राज्य का निर्माण तो हो गया, राष्ट्र निर्माण में आप ऐसे समझना है कि जो लोग रह रहे हैं वो उस राष्ट्र के प्रति क्या भाव रखते हैं, राष्ट्रीय सम्मान, कहते हैं राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रीयवाद क्या है? एक देश का उनके लोगों के प्रति या एक देश के अंदर जो लोग हैं वह अपने देश के लिए क्या सोचते, क्या समझते, क्या विचार रखते, क्या फीलिंग्स होती है। तो अगर एक देश के लिए अच्छी फीलिंग्स होती हैं, उसके लिए स्नेह, सम्मान, सहयोग की भावना होती है, तो लोगों में राष्ट्रवाद विकसित होता है। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच जब चल रहा होता है तो चक्का लगता है तो कितने खुश होते हैं और आउट होता है तो कितने दुखी होते हैं। तो यही तो है, हम किसी को जानते नहीं लेकिन सभी देश के नाम पर खुश होते हैं, तो ये एक राष्ट्रीय भावना कहलाती है। तो यहाँ पर दूसरा होगा कि एक केंद्र सरकार बनने से जरूरी कोई नहीं होता है, जरूरी तब होता है जब एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोग आपस में संपर्क में आए,
तो आपस में संपर्क में कब आएंगे, जब वे एक राष्ट्र के नाते रहेंगे। जैसे मैं एक भारत का नागरिक हूँ, तो अगर विदेश में जाऊँ तो एक भारतीय नागरिक, तो कितना स्नेह आता है। तो यही भाव देश में लोगों के मध्य होना चाहिए। तो राजनीति का सेकंड लेवल आएगा, यानी सेकंड स्टेज होगा, जब लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होगी। बात करते हैं तीसरा स्टेज राजनीतिक विकास का। तीसरा स्टेज, जैसा कि आमंड ने कहा है, सहभागिता स्तर। तो ये राजनीतिक विकास का तीसरा स्टेज हो गया। जब राजनीति का विकास हो रहा है तो तीसरे स्टेज में क्या होगा, लोग एक दूसरे से सहयोग लेंगे। अगर सभी देश एक मतलब सभी लोग एक देश में रह रहे हैं और देश के प्रति वो स्नेह प्यार सम्मान रखते हैं, तो उनमें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है, और राष्ट्रीय भावना ही उन्हें देश के प्रति काम करने के लिए मनाती है कि भाई मुझे ये, मैं एक देश का नागरिक हूँ तो मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे वोट देना चाहिए, मुझे सरकार के अंदर समीक्षा करनी चाहिए, या सरकार के जैसे मान लीजिए बजट पारित वगैरह होता है तो उसके संबंध में क्या विचार रखते हैं। तो इस तरह से एक देश के लोग जब राजनीति के अंतर्गत सहभागिता निभाते हैं, तो इस तरह से राजनीति अब डेवलपमेंट मोड में आ जाती है। अब हर व्यक्ति के पास राजनीति की समझ है, और इस तरह से जब एक देश के हर नागरिक को राजनीति के बारे में नॉलेज होता है, और इस तरह की जो व्यवस्था पाई जाती है वह राजनीतिक विकास को बताती है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, एक लोकतंत्र की स्थापना होगी, तो ये राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक विकास का तीसरा स्टेज जो आमंड ने कहा है कि इससे लोगों में सहभागिता बढ़ेगी। यानी जितने लोग एक देश में एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ रहेंगे, तो उतनी ही राजनीतिक डेवलपमेंट होगी। चौथा पॉइंट जो बताया है, वितरण का सिद्धांत या वितरण का स्तर। वितरण का स्तर कैसे कहेंगे, ये तो है नहीं कि भाई खीर बन गई है जो धीरे धीरे सबको बांट दी जाए। तो ये वितरण का स्तर यहाँ पर कैसे माना जाएगा, किस तरह से राजनीति का विकास यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि शुरुआत स्टेज में, जैसे एक सिंपल थिंग्स बताऊँ कि हमें मान लीजिए रसमलाई बनानी है, तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि रसमलाई कैसे बनेगी, तो हम इसके अलग अलग स्टेप देखते हैं। सबसे पहले सामानों को लाते हैं, यानी एक राष्ट्र को बनाते हैं। दूसरे स्टेज पर उसके लिए विधि पता होनी चाहिए, विधि पता होनी चाहिए, और लोगों को लाना होगा कि भाई कौन उसको बनाएंगे। तो दूसरा स्टेज यहाँ पे भी हो गया, एक राष्ट्र का निर्माण, एक देश के प्रति राष्ट्र में जो सोच होती है वो। तीसरे स्टेज में क्या होगा, तीसरे स्टेज में होगा कि लोग उस चीज़ को बनाने वाले हैं। जैसे एक राज्य में लोग सहभागी होंगे तो राजनीति चलेगी। इसी तरह रसमलाई कब बनेगी, जब सभी बनाने वाले लोग सहमति से राजी होकर कार्य शुरू करेंगे और बनाना आरंभ हो जाएगा। और तीसरा स्टेज क्या हो गया, जब रसमलाई बन जाएगी तो क्या होगा, वितरण होगा। तो जब राजनीति का विकास हो जाएगा तो राजनीति का फायदा सभी को मिलने वाला होता है, यानी सभी अपने अपने स्तर पर राजनीति में सहयोग रखेंगे तो फिर राजनीति डेवलपमेंट होगी, तो उसका फायदा लोगों को बटने वाला, लोगों को अधिकार, सहूलियत, सम्मान, स्वतंत्रता ये सब मिलती है। तो ये हो गया आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास के चरण। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा विद्वान आर्गेंस्की। तीसरे विद्वान को समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से तीनों में से एक एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले आर्गेंसी की एक पुस्तक है, उसको नोट करें। आर्गेंसी, तो आर्गेंसी के अकॉर्डिंग एक पुस्तक है जो नोट करेंगे आप, स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो आर्गेंसकी ने राजनीतिक विकास के चरणों को समझाया है, तो वह इनकी एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी राजनीतिक विकास के चरण। इस पुस्तक का नाम भी यही है, और इसके अंतर्गत आर्गेंसकी ने राजनीतिक विकास को समझाया है कि राजनीतिक विकास क्या है। तो राजनीतिक विकास के अलग अलग स्टेप बताए हैं इन्होंने, तो हम यही देखने वाले हैं। आर्गेंसकी ने भी राजनीतिक विकास के चार चरण बताए हैं, चार चरण राजनीतिक विकास के। पहला चरण यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आदिम एकीकरण की राजनीति।
आदिम एकीकरण। अब यहाँ पे आप कैसे समझे इसको, तो सिंपल सा ध्यान रखिए, राजनीतिक विकास का ये पहला चरण है जिसमें राष्ट्रीय सरकारें अपनी जनसंख्या पर राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करती है, यानी राज्य को सुव्यवस्थित रखती है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो एक राज्य है वह जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता, इन सब से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, राज्य का एकीकरण होगा, एक राज्य बनेगा। एक सिंपल में यहाँ पे बताऊं तो क्या बनेगा, राज्य बनेगा। देखो आदिम एकीकरण का मीन्स है, ऐसा नहीं कि आदिवासी व्यवस्था, नहीं, एक सिंपल थिंग्स बताएं कि एक राज्य है लेकिन वहाँ पे राजनीति नहीं हो रही है, सरकार नहीं होती है, कुछ नहीं है, ऐसे ही वो सिंपल थिंग्स हो रही है सब चीज़ें। तो फिर उस समय क्या होगा, उस समय अगर वहाँ पे राजनीति की पाठशाला शुरू करेंगे तो वो पाठशाला क्या कहलाएगी, आदिम अवस्था कहलाएगी, शुरुआती अवस्था। जैसे एक मानव का डेवलपमेंट स्टेज क्या होता है, आदिवासी होता है वो, तो राजनीति का पहला स्टेज क्या हो गया, आदिम एकीकरण की अवस्था, जहाँ पर राज्य के लोगों को एक साथ रखा जाएगा ताकि वह राजनीति से संपर्क में आए। तो पहली अवस्था होगी राज्य आदिम एकीकरण, यानी राज्य को बढ़ाना, एकीकरण करना, जनसंख्या पर नियंत्रण रखना। दूसरा स्टेप बताया है औद्योगिकरण की राजनीति। अब इसमें देखिए ये सेकंड स्टेज आ गया, जब लोग एक राज्य में एक साथ रहने लगे और सरकार का उनके ऊपर नियंत्रण होने लगा। जब सरकार उसके ऊपर नियंत्रण रखेगी तो इस तरह से वहाँ पर एक औद्योगिकरण का माहौल क्रिएट होगा और नए वर्ग बनेंगे और उन वर्गों में सहभागिता होगी। और इस तरह से अगर बात करें जैसे बुर्जुआ वर्ग हुआ, पूंजीवादी वर्ग हुआ, तो समाज बना और समाज में फिर एक वर्ग, अलग अलग वर्ग बनेंगे और इन वर्गों में फिर तालमेल बैठेगा। यानी पहले आदिवासी, आदिवासी की तरह आदिवासी होते हैं, फिर वो सब सभ्य होते हैं तो धीरे धीरे उनका औद्योगिकरण होता है, वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता है। वैसे ही राजनीति का सेकंड लेवल होगा विकास का, औद्योगिकरण, यानी इसमें अलग अलग वर्ग बनेंगे। क्या बनेंगे, अलग अलग वर्ग बनेंगे और ये वर्ग अपने अपने स्तर पर राजनीति से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज आएगा, आपको समझना है, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो सेकंड स्टेज में राजनीति अपने एक देश में जो अलग अलग वर्ग बने हैं, ये जो वर्ग है वह एक राष्ट्र के अंदर लोक कल्याणकारी राजनीति के संबंध में सहयोग से एक ऐसे कि अपना जीवन व्यापन करने के लिए सहयोग देंगे। यानी इसके अंतर्गत हम कहें कि जनता को शोषण से मुक्त रखना है और पूंजी साधनों को व्यापक स्तर पर जनता के मध्य वितरित करना है। तो जब सेकंड स्टेज में अलग अलग वर्ग बन गए, ये वर्ग हैं वह सरकार से संपर्क में रहेंगे, तो सरकार फिर क्या करेगी, राजनीति के अंतर्गत इन वर्गों के लिए कल्याण के रूप में काम करेगी। जैसे मान लीजिए हम अगर एक समाज में रह रहे हैं, तो समाज में जब रह रहे हैं तो समाज के अंतर्गत हमारे अंदर राजनीति डेवलपमेंट कब आएगा, जब सरकार हमारे लिए अच्छा काम करेगी। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली बजट पारित हुआ, तो बजट के अंदर कुछ अच्छी बातें आई तो ये बातें हमें सरकार से संपर्क में लेके आती है कि हाँ सरकार ने बढ़िया किया, सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है, तो लोग उस राजनीति के बारे में और अच्छा समझते हैं, राजनीति और ज़्यादा डेवलपिंग होती है। तो ये तीसरा स्टेज में बता रहा हूँ, यानी अब वहाँ की जो राजनीति है वह राष्ट्रीय हो जाएगी, लोक हित में काम करेगी, कि एक राष्ट्र और एक राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनके लिए सरकार और सरकार के समुदाय हैं वो काम करेंगे। तो ये जो राजनीति वो लोक कल्याणकारी होगी और लोक कल्याणकारी राजनीति है वह डेवलपमेंट की ओर जाती है। लास्ट स्टेज में जब लोगों का कल्याण हो जाता है, लोगों का उस राजनीति में उन्नति होती है, तो लास्ट स्टेज में क्या होता है, समृद्धि, यानी समृद्धि की राजनीति या समृद्ध की राजनीति। इसके अंदर समझिए, यानी धीरे धीरे राजनीति का डेवलपमेंट जो मोड़ है, यानी पहले स्टेज से पास होकर दूसरे स्टेज पे आता है, फिर तीसरे स्टेज पे, चौथे स्टेज में आते आते राजनीति का पूरा विकास हो जाता है, राजनीति डेवलपमेंट हो जाती है। यानी अब यहाँ पर उस देश के अंदर अलग अलग वर्ग, समुदाय हो, अलग राज्य हो, उन सभी को उन राजनीति से संपर्क रहता है, राजनीति से रूबरू जुड़े होते हैं और राजनीति उनके लिए काम करती है। तो
सबके हित की जो राजनीति होती है और हर व्यक्ति तक ये राजनीति की पहुंच होती है, हर व्यक्ति राजनीति से अद्यपन रहता है, अपडेट रहता है, इस तरह से ये राजनीति समृद्ध राजनीति कहलाती है। कौन सी कहलाएगी? समृद्ध राजनीति। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट एंडिंग पॉइंट में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक विकास के साधन कौन कौन से हैं, राजनीतिक विकास के साधन। तो साधन को हम थोड़ा सा जल्दी और शॉर्ट में देखने वाले, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको आगे वाले में देखते हैं। तो राजनीतिक जो विकास होता है, इनके अलग अलग चरण हमने समझे हैं। तो अलग अलग चरणों के बाद अब राजनीतिक विकास करने वाले साधन कौन कौन से, राजनीतिक विकास के साधन को समझ लीजिए। अलग अलग साधन यानी फैक्टर जिसके द्वारा राजनीति का विकास होता है। तो पहला है राजनीति विकास में प्रक्रिया में भाग लेने वाले अलग अलग साधन या अलग अलग हम कहें फैक्टर। तो सबसे पहले है क्रांतिकारी राजनेता। अब यहाँ पे एक अगर देखें तो राजनीति का विकास कब होता है, जब राजनीति से समझदार या राजनीति से संपर्क वाले लोग राजनीति में आते हैं और अपने अपने स्तर पर राजनीति में योगदान देते हैं या अपने व्यक्तित्व के बलबूते पे वो राजनीति को प्रभावशाली बनाते हैं, जैसे क्रांतिकारी नेता। अब ये नेता क्यों कहा जाता है क्रांतिकारी, क्योंकि उनको उस समाज की जानकारी है, उस समाज में सरकार है या जो तानाशाही व्यवस्था है वो क्या कर रही है, तो उनको वो पता होता है। तो ये जो राजनेता होते हैं, जो क्रांतिकारी राजनेता होते हैं, वो अपने व्यक्तित्व के आधार पर उस लोगों में जागृति उत्पन्न करते हैं, लोगों को राजनीति संपर्क में बताते हैं। जैसे अपने आज़ादी के समय कितने क्रांतिकारी हुए थे, तो उन्होंने तो लोगों को जगाया कि भाई हम गुलाम हैं, हमें आज़ाद होना है। तो राजनीति विकास के साधन क्या हो गए, पहला हो गया क्रांतिकारी, जो अपने व्यक्तित्व के बलबूते पर राजनीति की एक ज्वाला को जलाते हैं। दूसरा राजनीतिक विकास करने वाले साधन में है राजनीतिक दल, यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, जो ये राजनीतिक पार्टियां होती है। जैसे इलेक्शन होता है ना, अब आपको अभी कुछ नहीं पता लेकिन जैसे इलेक्शन आया पूरी तरह से वो माहौल राजनीति का हो जाता है। जैसे होली का रंग उड़ता है वैसे राजनीति का माहौल हर जगह बिखर जाता है और वहाँ पर राजनेता हर घर तक जाते हैं, हर व्यक्ति तक संपर्क करते हैं और वोट लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता लगता है कि लोगों के सहयोग से इनकी गाड़ी चलने वाली यानी राजनीति चलने वाली है। तो ये जो राजनेता और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये राजनीतिक विकास को बढ़ावा देते हैं, यानी राजनीतिक विकास के साधन के तौर पर पार्टीज काम आती है, क्योंकि जब इनको इलेक्शन में आना है, जीतना है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही जीतेंगे, तो लोगों से वोट लेना होगा, तो इसके लिए उन्हें लोगों से संपर्क रखना होगा और इनके जो उद्देश्य घोषणाएँ, जो विश्वास और जो इलेक्शन से पहले जो बातें कही जाती हैं, उन बातों को ये अनुसरण करते हैं और उन बातों को ये बताते हैं, तभी ये जीतते हैं। तो राजनीतिक जो दल होते हैं ना, यही राजनीतिक विकास बनाने में, राजनीति को बनाने में योगदान देते हैं। तीसरा हो गया आधुनिक नौकरशाही। यानी वर्तमान में मंत्री तंत्री के अलावा उसके अंडर में जो विभाग आते हैं, उन विभाग में काम करने वाले अधिकारी पदाधिकारी, जिन्हें नौकरशाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र किन के लिए काम करता है? हम सब के लिए। तो हम सब के लिए लोकतंत्र कौन चला रहा है? ये सरकार। और सरकार ये काम किसके जरिए कर रही है? कर्मचारियों के जरिए, ठीक है ना, कर्मचारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट कुल मिलाकर क्या हुए? नौकरशाह हुए, जो इस लोकतंत्र के नौकरशाह हैं, सर्वेंट है और लोकतंत्र को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह से आधुनिक व्यवस्था को अगर देखें, तो आधुनिक व्यवस्था में हम बात करें तो ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में भी आधुनिक नौकरशाही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं कि राजनीतिक विकास किस तरह से हो रहा है, तो उसमें नौकरशाह भी काम आते हैं, सरकारी कर्मचारी हुए, अधिकारी पदाधिकारी या मंत्री तंत्री हुए, तो ये सभी किसी न किसी तरह से राजनीतिक विकास के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, या फिर अपने स्तर पर जिस तरह से ये व्यवस्था करते हैं, इस अकॉर्डिंग या जो नीतियाँ बनाते हैं, उन नीतियों से ही राजनीति का विकास होता है। नेक्स्ट जो चौथा साधन है वह है राष्ट्रीयता की भावना का विकास।
यहाँ पे देखिए राजनीतिक जो विकास है वह तभी होता है एक राजनीति में जब लोग उस राजनीति से जुड़े हो, लोगों का उस राजनीति से संपर्क हो। तो लोग राजनीति से क्यों जुड़ेंगे? राजनीति या तो फायदेमंद हो या वह देश लोगों के दिल में बसता हो, तो लोग उस देश के लिए मर मिटने या उसके लिए त्याग करने या उसको अच्छा करने के लिए पूरी तरह से काम करने को तैयार होते हैं। तो ये कब होगा? जब लोगों में राष्ट्रीय भावना होगी। जब लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रीय भावना होती है तो वह इस राष्ट्रीय भावना के बलबूते पर राजनीति के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत सहभागी होते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार अब उनके लिए काम करती है। तो ये कब होता है? जब राष्ट्रीयता की भावना होती है। हम एक परिवार को अच्छा बनाते हैं, परिवार के लिए काम क्यों करते हैं? क्योंकि परिवार अपना है, तो फिर परिवार का नाम रोशन होता है। तो इसी तरह एक राजनीति का विकास क्यों होता है? क्योंकि एक राजनीति, एक देश उन लोगों का है, तो अगर वो काम करेंगे तो उनके देश और उनकी राजनीति चमकेगी। तो यही कारण है, और राष्ट्रीय भावना ही एक ऐसा तत्व है कि लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं सिंपल थिंग्स बताऊं कि शादी क्यों होती है, तो शादी होने का, बाकी तो अपने हिस्से के लिए काम करते हैं, लेकिन शादी एक समाज का एक दौर है कि अगर ये नहीं होगी तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरह वह एक मोटिव तत्व है जिस वजह से काम होता है। इसी तरह राजनीति विकास भी तभी होता है जब राष्ट्रीयता की भावना होती है। बाकी और भी मतलब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोटे तौर पर यही कहेंगे कि समाज का विकास करना हो और यहाँ पर राष्ट्रीयता का या राष्ट्रीयता की भावना होगी तभी राजनीतिक विकास होगा। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन में देखें तो अपना ये जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्योंकि आपके पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 5 यूनिट हैं, 5 में से 4 यूनिट पूरी हो गई है, और हर यूनिट के बाद आपको एक टेस्ट देना होता है और इसका सॉल्यूशन है वो लाइव आपको जल्द ही मिलेगा। तो फिलहाल बने रहिए और नोट कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।